मिस्टर चौकीदार, कैसे हैं आप? मस्त सो रहे हैं मिस्टर चौकीदार, खाने लाते हुए मज़े से, मतलब सपना सपना चल रहा होगा लग रहा है कोई दिमाग में। भाई बहुत ही खतरनाक बनाया है, ना कोई अलर्ट का झंडा झंडा लगाया हुआ है इसके ऊपर, मतलब इधर तो लगा देना चाहिए ऐसे, नहीं तो ऊपर तो पक्का कोई ना कोई तो चढ़ा ही देगा एकदम अर्ली मॉर्निंग में। ये कौन से वाला पक्षी है? ये फिर गुटरगू, फिर गुटरगू, रुक ही नहीं रहा। ये वाला ऐसे लग रहा है जैसे क्लासरूम में जिसको अकेला नहीं छोड़ा जाता बच्चे को स्पेशली पनिशमेंट देने के लिए, वैसे लग रहा है बिल्कुल। वही सजा मिली है क्या? हाँ, जिस हिसाब से दुखी होकर देख रहा है वैसे तो लग रहा है। इसका सुबह सुबह खेलने को मन कर रहा है। दोबारा भोंकियो, भोंकते साइकिल खड़ी करता हूँ, इसको खिलाता हूँ जरा। अब भोंक भोंक, अब भोंक। पता है रोज यही आता हूँ, इसी गली से निकलता हूँ, फिर भी नखरे करने हैं। यहाँ पर मैं कभी भी पैदल नहीं घूमा था, मतलब इस वाले रोड पर साइकिलिंग भी की है, इधर भी इस पट्टी पर भी काफ़ी दूर तक, पर लेकिन पैदल नहीं घूमा था। और वर्थ है यहाँ पर भी पैदल घूमना, मतलब कैनोपी तो तुम्हें दिख ही रही है इसीलिए वर्थ है। अब हम करेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। थोड़ी बहुत माइनर कैजुअल्टीज हुई हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर गिरा, बट स्टिल बहुत सही है फिर भी, मतलब क्योंकि ऐसे ऐसे हो रही होती है तेल की धार, और तेल की धार है भी बड़ी गाड़ी विस्कस, तो करके संभालना थोड़ा मुश्किल है, मतलब जिस भी साइड जाती है फिर जाती जाती है एकदम साइड, किसी भी करना चाहो ना तो होती नहीं। अलग ही मुसीबत आ खड़ी हुई है आज, नेटवर्क ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पापा वाले फ़ोन में भी सेम ही नेटवर्क है और प्लान भी हमारा सेम ही है, मतलब डेटा पैक, बट स्टिल पापा वाले में आ रहा बढ़िया सर, मेरे वाले में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, करवाते हैं चेक जाके। पहुंच गए हम, जय हो शिव जी महाराज की। इनमें बच्चे कौन से हैं? लस्सियाँ, दस वाला दूध भी आता है, फिर वो तो फैटलेस होगा। ये भी सही है, सेपरेटा दूध रेडीमेड। एक साइड ज़्यादा ही क्रिस्प हो गई है, इधर से भी हुआ है, मतलब क्रिस्पीनेस तो फील हो रहा है, बट इस साइड को पता नहीं क्या हुआ, मतलब ये तो चिपकी भी नहीं हुई थी यार ओवन के सरफेस से, बट स्टिल क्रिस्प हो गई है, तो देखते हैं क्रिस्प वाला पार्ट कौन लेगा। क्रिस्प वाला पीस छोटा टूटा, तो पापा ने छोटा टुकड़ा ले लिया और मुझे ज़्यादा क्रिस्प वाला मिल गया। इसको पता नहीं क्या हो गया, छोटे भाई को बहुत सीटियां मार रहा आज, ये मारी ये फिर मारी। पहुंच गए भाई हम वोडाफोन के ऑफिस, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होगी या और ज्यादा बढ़ जाएगी, मेरे को नहीं लगता सॉल्व होगी सही से। जोक हो गया काइंड ऑफ, मतलब शायद मेरा फॉल्ट था, उन्होंने बताया कि 4G पे सेट करना था, मैंने 3G पे किया हुआ था, पर मैंने छेड़ी नहीं सेटिंग यार, अपने आप पता नहीं कहाँ से होगी। वैसे सही बताऊँ तो मैंने किया था ये ट्राई, जो सेटिंग इन्होंने करके दिया ऑफिस में, बस उस टाइम चली नहीं, मेरे हिसाब से शायद बस चक्कर काटना लिखा था तो करके आना ही पड़ा, नहीं तो घर पे मैंने सब कुछ प्रेस करके देख लिया था बट चला नहीं, पर चलो ठीक है, कंप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, काम होने से मतलब है, हो गया ना, बस घर दौड़ो फटाफट। चटपटा खाने का मन हो रहा था पर प्याज टमाटर वाला कुछ चिप्स वगैरह तो खा नहीं सकते, तो नवरात्रे वाले मोटे मोटे चिप्स ही खाने पड़ेंगे। मैं तो नहीं खाऊंगा, पापा को ले दूंगा बट शायद खा भी लूँ, क्योंकि वो वाले चिप्स तो पता नहीं अभी खैर पता कब मिलेंगे, पर रुकना पड़ेगा 7-8 दिन, और उतने दिन यार नहीं रुका जाता। मिल गया भाई, पतले वाला मिल गया, मोटे वाला भी था पर मोटे वाला मेरे को पसंद नहीं है इसलिए पतले वाला उठा लिया, दोनों खा लेंगे ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोनों को, मोटे वाला उतना ना थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं होता, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, फिर चिप्स वाली बात नहीं रह जाती। 15 मिनट में ये पैकेट खत्म, मैं भाई कॉल लेने जा रहा हूँ, मैं कहा था ना एक बार खाना शुरू कर दें पर फिर रुका नहीं जाता, अब वैसे तो अभी भी नवरात्रे हैं और नहीं रुका जाता। स्नैक लाइट लिट की LIT होता सिर्फ एक्टर, अरे आज तो एक्टर ही बन के आया पूरा, शर्ट शूट डाल के एकदम एक्टर लग रहा ये एक्टर। ये डेंगू फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है तो दूर खड़ा हो भाई, क्यों फैला रहा है?
हाँ अच्छा मेरे को लगा अपनी बात कर रहा है, इसको फैल रहा है, मगर दूर हो फिर तो प्रसाद बांट रहा है थोड़ा सा तेरा। अरे मत ले आओ भाई साइकिल से, फिर डांट पड़ेगी, बाहर ही खड़ी करते रहते डांट पड़ेगी, तुम दोनों नहीं रहोगे अंदर, बाहर ही अंदर वो मतलब सॉरी बाहर ही रख दे भाई, रुक जा आराम से निकाल ले, कोई गुनाह नहीं कर दिया है, आराम से निकाल ले, आ जा आराम से आ जा, हाँ इधर खड़ी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना मैंने ना एक दिन ये ना कुछ ना ज्यादा ही खा ले, मुझे इतनी गंदी मिर्च लगी, मैं तो इतनी मिर्ची तो नहीं होती यार इसमें, तो बहुत मिर्च लगी। हाँ अभी तुम्हारे टंग तैयार नहीं हुई है मिर्ची को सहने के लिए, मैं वो नहीं खा के देखती हूँ तुम्हारे ऐसे आधा आधा मेरे को नहीं लगती है। तू तो भाई कौन सा चिकन खाता है तू, स्पाइसी चिकन 65 मिर्ची डाल के खाता हूँ, लाल मिर्च पाउडर। हाँ बस फिर कहाँ मिर्चा लगनी है, तो नॉर्मल सी चीज है तेरे लिए। मोमोज वाली चटनी खाता है, मोमोज वाली चटनी खाई है कभी, वो बड़ी खतरनाक लगती है भाई। आपने जो लोग चिप खाया वो क्या है, बहुत खतरनाक होता है, इसको भी पता है क्या होता है भाई, 200 रुपए का एक टुकड़ा आता है उसको खाती है ना, दुनिया के सारे तिक्के मसाले होते हैं खाती ना भैया, आंखों से पानी नाक से पानी कान से धुआं पीछे से भी धुआं भैया, वर्ल्ड की सबसे स्पाइसी मिर्ची कहाँ मिलता है भैया चिप्स, अमेज़न अमेज़न अमेज़न। इन्हें क्या हो गया आज, इन्हें भी मस्ती चाहिए, तुम भी चेन तोड़ी खेलोगे क्या, खेलोगे क्या, इनसे पूछिए चेन तोड़ी खेलोगे क्या, एयर अटैक नहीं हुआ ऊपर ही है वो पता नहीं, तू मेरे को तेरी याद आ रही है, इसने तेरे थप्पड़ मार देना और फिर तेरा मूड खराब हो जाएगा। जर्मन रशिया के सारे मसाले तीखे मसाले जोड़ के वो क्या नाम बताया चिप्स का दोबारा, जोलो चिप्स। अच्छा ट्राई करूंगा, आप ट्राई करोगे, हाँ तुमने खाए हैं तो भाई अगर तुम खा सकते हो तो मैं तो सह ही सकता हूँ ना, फिर अगर तुम अगर अलाइव हो उसको खाने के बाद तो मैं भी तो अलाइव हूँ। तो फिर उसमें चिप्स वाला तो स्वाद ही नहीं आता होगा, मिर्ची मिर्ची एक टुकड़े में ना ग्रीन चिली भैया, आंटी के ऊपर पानी गिर दिया, आंटी कह रही भैया अकल आना पिलाती हूँ, कह रहा भैया कल तो पीवांगे गंजा, तो फिर गंजा है तो आज तेरे को पकड़ लेता हूँ मैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तेरे को क्या लगता है तू वो टारगेट पे मैं हूँ मेरे को लग नहीं रहा अलर्ट बहुत सही था लगा नहीं कि मैंने कहा था ना मैं ही हूँ टारगेट पे ओए धक्का मत दे यार अबे छोड़ दे, ओ तेरे खुद ही मजे लिया जा रहा है, अबे छोड़ दो टूट टूट जाएगा, अबे रहने दे बस छोड़ दे, अबे छोड़ दे टूट टूट जाएगा वो पहले भी खाई थी उसने बड़ी गंदी।